भारी भरकम बॉल जब तक रुकी रहे बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, लेकिन यही बॉल जब मूव करेगी तो बहुत डेंजरस बन सकती है। अब सवाल यह है कि इस मूव करती हुई बॉल के पास ऐसा क्या है जो इसे डेंजरस बना रहा है? डेफिनेटली वो मैस तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैस दोनों केसेस में सेम था। वो क्वांटिटी जो इस मूव करती हुई बॉल को डेंजरस बना देती है, फिजिक्स में उसे हम कहते हैं मोमेंटम। आइए जरा देखते हैं कि मोमेंटम किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर मैं इस कम मैस वाली बॉल को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करूं तो मैं देखता हूं कि इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं था, यानी मोमेंटम बहुत कम था। लेकिन अगर मैं इस मैसिव बॉल को, यानी ज्यादा मैस वाली बॉल को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करूं तो मैं देखता हूं इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, यानी मोमेंटम काफी ज्यादा था। तो यहां से हमने सीखा कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मैस। यही वजह है कि गाड़ी की बजाय जब कोई ट्रक टकराए तो मास ज्यादा होने की वजह से मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है। अब मैं इस बॉल को कम हाइट से ड्रॉप करता हूं तो मैं देखता हूं कि वेलोसिटी कम होने की वजह से इंपैक्ट, यानी कि मोमेंटम बहुत कम था। लेकिन अगर सेम बॉल को मैं ज्यादा हाइट से ड्रॉप करूं तो अब मैं देखता हूं कि वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से इंपैक्ट, यानी कि मोमेंटम बहुत ज्यादा था। तो यहां से तो मैंने यह सीखा कि मोमेंटम ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही वजह है कि एक्सीडेंट के दौरान जब किसी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा हो तो मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। हमने देखा कि मोमेंटम मैस और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और मजे की बात यह है कि मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही मोमेंटम के बराबर होता है। सो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। मोमेंटम की खास बात यह है कि ड्यूरिंग कोलिजन एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है, और ना सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है बल्कि सेम भी रहता है। यानी अगर एक बॉल का मोमेंटम हो तो आगे एक बॉल जाएगी, और अगर दो बॉल्स का मोमेंटम हो तो आगे दो बॉल्स जाएंगी, और अगर तीन बॉल्स का मोमेंटम हो तो आगे तीन बॉल्स जाएंगी। यानी कोलिजंस के दौरान मोमेंटम ना ही कम होता है ना ही ज्यादा होता है, बल्कि सेम रहता है, या दूसरे अल्फाज में कंजर्व रहता है। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मैं इस बॉल को यहां से रिलीज करूं तो आपके ख्याल में ये बॉल क्या इस ब्लॉक को हिट करे? आप सोचेंगे क्योंकि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम जितना होना है, यानी मोमेंटम ने कंजर्व रहना है, तो ये बॉल इनिशियल हाइट को क्रॉस नहीं करेगी। मगर आपने देखा कि उसने क्रॉस कर लिया। क्या फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम से ज्यादा हो गया? क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वायलेट हो गया? ये हम जानेंगे अपकमिंग एपिसोड्स में।